एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और बताइए आप सब कैसे हो? मैं तो हमेशा यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और अभी शाम के 4 बज गए हैं और मैं नमकीन चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दिन काफ़ी बड़े होने लग गए हैं और बच्चों को दिन में भूख लग जाती है। और कई दिन से मैं छोले या काले चने वगैरह नहीं भिगो रही हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ को रोज़ खाते खाते भी बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ चेंज चाहिए होता है। और हम बड़े तो जैसे चाय पी लेते हैं, मैं और विशाल के पापा जी, सासू माँ इस टाइम पे दूध पी लेती है और बच्चे चाय दूध वगैरह कुछ नहीं लेते हैं इस टाइम पे। तो फिर उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। 11 बजे रोटी खाने के बाद तो फिर भूख लगती है, फिर बच्चे बोलने लगे कि मम्मी नमकीन चावल बना दो, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेती हूँ, आप सबसे मिल लेती हूँ। और ये देखिए, ये मीडियम साइज के मैंने 3 आलू लिए हैं, इनको इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट दूंगी। 2 टमाटर लिए हैं, 1 प्याज लिया है, और प्याज मैं चावल में नहीं डालूंगी, इसको काट के धो के रख दूंगी। विशाल चावल में ऊपर से कच्चा प्याज डाल के खाता है, उसको बहुत पसंद है, तो 1 प्याज मैंने साथ के साथ ही छील लिया है कि लगे हाथ, इसको भी काट दूंगी। और ये मैंने अपना जो नाइट सूट कल आप सबको दिखाया था, आज मैंने नहा के इसी को पहन लिया था। और गर्मियाँ शुरू हो गई ना घर में, तो इस तरह की ड्रेस पहन के काफ़ी हल्कापन महसूस होता है। और सूट वगैरह में तो गर्मियों में ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इस तरह की ड्रेस से ना मुझे घर में पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछले साल नहीं लेकर आ पाई थी, तो पिछली पूरी गर्मी ऐसे ही निकल गई थी, लेकिन अब तो गर्मी के स्टार्टिंग में पहले ही मिल गई है 2 ड्रेसें, पूरी गर्मी आराम से निकल जाएगी। एक को धो के सुखा दूंगी तो दूसरी पहनने के काम आ जाएगी। और ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेती हूँ मैं प्याज और टमाटर को, एक साथ ही कट कर लेती हूँ, अलग अलग काटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए अभी पहले चावल में छौंक लगा देती हूँ। कपड़े धोए थे आज मैंने बहुत सारे, अभी सूख चुके हैं, उतारे नहीं हैं, सोचा पहले चावल बनने के लिए रख देती हूँ, फिर कपड़े उतार दूँगी, तब तक चावल पक के तैयार हो जाएंगे, बच्चों को खाना दे दूँगी। फिर जितने तह लगाने वाले हैं उनकी तह लगाऊंगी, प्रेस का काम आज नहीं करूंगी, क्योंकि इतने सारे कपड़े आज धोए ना, आप सब भी देखोगे तो कहोगे दीदी दूसरे दिन ही लगा लिया करो मशीन। लेकिन क्या है ना, मेरी मशीन बड़ी है 11.5 kg की, और जैसे 2-4 जोड़ी कपड़े उसमें मैं डालती हूँ ना, तो वही फिर पूरा सर्फ बेकार हो जाता है, और थोड़े पानी में क्या कपड़े धोऊं, क्या मशीन लगाऊं, तो मैं लगभग 5-6 दिन के हो जाते हैं ना तभी मशीन लगाती हूँ। फिर वही बात होती है कि एक दिन में ज़्यादा टाइम भले ही लगता है, लेकिन 5-6 दिन का जो मेरा टाइम होता है ना, उसे मैं नीटिंग को दे देती हूँ, मेरा समय बच जाता है। तो अभी मैंने आलू टमाटर प्याज वगैरह सब कट कर दिया है, और अभी चावल में छौंक लगा देती हूँ, फिर कपड़े उतारूँगी। तो फ्रेंड्स, ये चावल बनने के लिए रख दिए हैं, एक सीटी में चावल बनके तैयार हो जाएंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है, और यहाँ पर कपड़े भी सारे बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं, तो जितने प्रेस करने वाले हैं पहले उनको ही उतार के और कुर्सी पर रख देती हूँ। और ये कुर्सी जब मैं कपड़े सुखाने आई थी तब लेकर आई थी, मैं सारे कपड़े इसी पर एक साथ रख के ले आई थी सुखाने के लिए, और फिर मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया था कि जब कपड़े उतारूंगी तब काम आ जाएगी। तो जितने प्रेस करने वाले हैं पहले उतार के कुर्सी पे नीचे रख दूंगी, और जितने तह लगाने वाले हैं उनको बाद में उतार के ऊपर ही रख लूँगी, क्योंकि चावल तैयार होंगे तब तक साथ के साथ मैं तह लगा के और कपड़े अलमारी में सेट कर दूंगी। और वैसे भी गर्मी के मौसम में तह लगाने वाले कपड़े कम होते हैं और प्रेस करने वाले हद से ज़्यादा होते हैं, तो आज भी इतने कपड़े हैं कि 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाएगा इनको प्रेस करने में, लेकिन एक दिन में नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, मैं 2 दिन में भी कर लेती हूँ। तो चावल तैयार होते हैं तब तक कपड़े समेट देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कपड़े मैंने सारे समेट के रख दिए हैं, सिर्फ प्रेस करने वाले हैं जो कि कुर्सी पर ही रखे हुए हैं,
और यहाँ पर चावल भी मेरे बनके तैयार हो गए हैं। तो आप सब भी आ जाइए और गर्मा गर्म नमकीन चावल खा लीजिए। कुछ लोग इसको नमकीन पुलाव भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सब नमकीन चावल ही बोलते हैं। तो अभी बच्चों को चावल डाल के दे देती हूँ। वैसे तो मैं घी में ही जीरे का छोंक लगा के और तब चावल बनाती हूँ, लेकिन फिर भी ऊपर से घी डाल के ही खाते हैं मेरे बच्चे। तो आप सब भी आइए और घी के साथ नमकीन चावल खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये बच्चों को मैंने चावल खाने के लिए दे दिए हैं। चाय के जो बर्तन थे उनको भी मैंने साफ़ कर दिया है और अब मैं अपना बुनाई का काम करने के लिए बैठ गई हूँ। एक सैंपल तैयार करूँगी ताकि इसकी मैं वीडियो बना सकूँ और कल चैनल पे अपलोड कर दूँ। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसा बनाऊँगी ये सैंपल, ये मैं आप सबको बना के दिखाऊँगी। और एक प्रोजेक्ट भी मैंने बुनना शुरू किया हुआ है, लगभग 6 महीने से 1 साल के बच्चे का मैं गले से शुरू होने वाला स्वेटर बना रही हूँ, लेकिन इसको पूरा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक तो कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी कहीं जाना पड़ जाता है। दूसरा, गर्मी का मौसम है तो गर्मी में बुनाई करने का मन भी कम ही करता है। तो धीरे धीरे ही पूरा हो पाएगा, लेकिन जैसे ही पूरा हो जाएगा तब मैं आप सबको दिखाऊँगी। तो अभी नीटिंग का काम कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं ये एक छोटा सा सैंपल ही तैयार करूँगी। ये सैंपल तैयार करके फिर आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी और आप सबको ये सैंपल भी दिखाऊँगी कि कैसा बना रही हूँ। वैसे मैं बहुत ही आसान सा डिज़ाइन बनाऊँगी ताकि न्यू बिगिनर्स भी इसे आसानी से बना सके। तो अभी इसे पूरा कर लेती हूँ। हेलो जी, राम राम, कैसे हो आप सब। एसके ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी बुनाई का काम कर रही थी तो सैंपल बन के हो गया है तैयार। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनाया है और बनाने में बहुत ही आसान है। जिसको सिर्फ सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाने आती है ना, वो भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकती हैं। जेंट्स स्वेटर और बच्चों के स्वेटर पर तो ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। तो सोचा पहले आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ, फिर इस डिज़ाइन की वीडियो शूट करूँगी, तब कहीं जाके रात के खाने की तैयारी करूँगी। और आज मैं 2 कमेंट्स पर बात करूँगी। कमेंट्स तो बहुत सारे आए हुए हैं, आज भी आए हैं, कल भी आए थे, लेकिन आज मैं सिर्फ 2 ही कमेंट्स पर बात करूँगी। तो एक कमेंट्स तो ये है कि मतलब शादी को 3 साल हो गए हैं, एक बच्चा भी है और जो कुछ आता है मायके से ही आ जाता है, लेकिन बीच में अगर कुछ सामान की टूट पड़ जाती है ना, तो ना तो ससुराल वाले लेकर देते हैं, ना ही हस्बैंड लेकर देता है। और दूसरी बहन का कमेंट्स है कि मेरा पति मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर किसी और औरत के साथ रहता है, तो ये बताइए उसको दुआ दूँ या बददुआ दूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपके साथ दिल से हमदर्दी जताती हूँ, क्योंकि आपका जो दुख है ना, वो सच में बहुत बड़ा दुख है। जब एक पति अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ के किसी और औरत के साथ रहता है ना, मेरे हिसाब से इससे बड़ा दुख कोई भी नहीं है। क्योंकि देखिए, इसको कहते हैं जीते जी मरना। कोई भी औरत है ना, सब कुछ बांट लेती है, लेकिन अपने पति को नहीं बांट सकती है, और उसको छोड़ के किसी और औरत के साथ रहे, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। तो आपने पूछा है कि उसको दुआ दूं या बददुआ दूं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आदमी अपनी पत्नी और अपने बच्चों का नहीं होता ना, मेरे हिसाब से वो दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता है, वो किसी का सगा नहीं होता है। रही बात दुआ या बददुआ देने की, तो मैंने आप सबको कल भी बताया था कि दुआ दो, दुआ लो। अगर हम सामने वाले को दुआ देते हैं ना, तो वो दुआ उसको तो बाद में लगती है, पहले वो हमें खुद को लगती है। इसलिए अपनी ज़ुबान से बुरा मत बोलिए, अपनी ज़ुबान से अच्छा ही बोलिए। परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको बच्चे दिए हैं। अपने बच्चों में अपना मन लगाइए। देखिए, उसको तो जो करना है वो करेगा, दुआ देने से या बददुआ देने से वो उल्टा नहीं हटेगा। और इतना मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, एक दिन ठोकर खाएगा और आपके पास ही आएगा, दूसरी जगह उसको ठिकाना नहीं मिलेगा। ये जब तक जवानी है, जब तक पैसा है ना, तभी तक दूसरी जगह पर ठिकाना है। जब दोनों ही चीज़ें लूट जाती है ना, तब कुछ भी नहीं बचता है, ना तो उस औरत का बचता है जो किसी और दूसरे मर्द के साथ रहती है,
किसी और का घर बर्बाद करती है, वो भी किसी की नहीं हो सकती है। और जो आदमी अपने बीवी बच्चों को छोड़ के सारी जवानी सारा पैसा वहीं पर लुटा देता है ना, अंत में बुढ़ापे में ठोकर खा के आता उसी परिवार के पास है जिसके साथ उसका धर्म का रिश्ता होता है, क्योंकि इस तरह का जो रिश्ता जोड़ते हैं ना वो पाप का रिश्ता होता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए। और मैं आपको ना अपनी आंखों देखी ना रियल मतलब जो स्टोरी है ना वो बता देती हूँ। मैं पानीपत रहती थी ना, तो वहाँ पे जैसे मेरा घर यहाँ पर था, दो घर छोड़ के तीसरा घर था सामने। और इस टाइम तो वो बुजुर्ग हो चुकी हैं वो लेडीज, उनके बेटा है, पोती हैं, तो मतलब परिवार हो गया है उसका। लेकिन जब उसका बेटा बिल्कुल ही 7-8 महीने का होगा तब उसका पति उसको छोड़ के और दूसरी औरत के साथ रहने लग गया। और उस औरत के 2 या 3 बच्चे हैं, मुझे क्लियर नहीं पता उसके 2 हैं या 3 हैं, लेकिन उसका पति मर गया था और वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़ के उसके साथ रहने लग गया। सरकारी जॉब करता था। अब देखिए उसके पास पैसा भी था, जवानी भी थी, दूसरी औरत के पास जाकर रहने लग गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब दिक्कत तो उसको हुई ना जिसके को मतलब सारे समाज के सामने जिसे शादी करके लाया और एक बेटा होने के बाद उसको छोड़ दिया। लेकिन इतना किया उसने, जिस घर में मतलब वो रहते थे ना वो घर उसने अपनी उस पहली पत्नी के नाम करवा रखा था, तो इस वजह से वो अपना उस घर में टिकी रही। अपने बेटे का कैसे लालन पालन किया होगा उसने। उस औरत को देख के मुझे उसका दुख समझ में आता था कि इसने बहुत मेहनत की अपनी ज़िंदगी में, लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन कर करके उसने अपने बेटे की परवरिश की। और जब मैं यहाँ पर आई हूँ उस टाइम की बता रही हूँ, इस टाइम पे उसके घर में खुशहाली आ चुकी है, बेटा है, उसकी शादी हो गई है, पोती हो गई है। लेकिन उस आदमी के हालात में आपको बताऊंगी ना तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। रिटायरमेंट हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो रिटायरमेंट का पैसा मिलता है ना तो उस पत्नी के सिग्नेचर मांगती है गवर्नमेंट जिसके साथ उसकी शादी हुई है, क्योंकि वो सब कुछ लिखा पढ़ी हो जाती है, आजकल ऐसा नहीं होता है। तो पैसा निकलवाने के लिए उसे अपनी पत्नी के पास आना पड़ा। लेकिन फिर वही बात है, बेटा भी बड़ा हो गया है, समझदार हो गया, सब कुछ हो गया, तो इन्होंने डिमांड रखी कि मतलब भाई जो आपका पैसा आएगा ना रिटायरमेंट का उसमें से आधा पैसा तुम ना दोगे तब भी हमारे पास ही आएगा, इसलिए मैं तभी चलूँगी जब आधा पैसा मुझे मिलेगा। तो वो जो उसकी पहली पत्नी है ना उसकी रिटायरमेंट से आधा पैसा उसको मिला, उसमें से जो पुराना टूटा फूटा घर था इतने टाइम पहले का उसने अपना घर बनाया है और अब उसमें वो खुशी खुशी रह रही है। वो आदमी जो उस औरत के पास रहता था ना, अब देखिए सारी जिंदगी उसने अपनी नौकरी की, सारा पैसा उसको दिया, उसके बच्चों का लालन पालन किया, अपने बेटे का नहीं किया, उसके बच्चों का किया। और जो रिटायरमेंट का पैसा था वो सारा पैसा भी उस औरत ने हड़प लिया। अब उसके पास क्या बचा? ठेंगा। और अब वो आदमी उस औरत को कहता है कि मुझे अपने घर में रख ले। कैसे रख सकती है उसको? उसने मना कर दिया। उसके बेटे ने तो फिर भी कहा कि माँ हमारे पिताजी हैं, आने देते हैं इसको, लेकिन उस औरत ने साफ साफ मना कर दिया कि बेटा मैंने तो अपना सिंदूर उसी दिन पोंछ दिया था जिस दिन ये मुझे छोड़ कर गया था, इसलिए मेरे लिए ये मर चुके हैं, अगर इसको घर में लेके आएगा ना तो मैं घर छोड़ के चले जाऊँगी। तो देखिए बहन, मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी, एक दिन ठोकर खा के वो आएगा आपके पास ही। तो फ्रेंड्स, आप अपने मुंह से ना बद्दुआ मत दीजिए, दुआएं ही दीजिए, क्योंकि वो दुआएं पहले आपको लगेंगी, आपके बच्चों को लगेंगी। अपने मुंह से बुरा भला मत कहिए क्योंकि इससे आपका कर्म बिगड़ जाएगा। इसलिए आपने अपना कर्म नहीं बिगाड़ना है, अपना भाग्य बनाना है, क्योंकि देखिए कर्म तो पहले से ही बिगड़ा हुआ है, तभी तो ज़िंदगी में ये वाले हालात पैदा हुए हैं। ये हमारे कुछ कर्मों का हिसाब किताब होता है जो हमें अपने जीवन में देना होता है। लेकिन अब इंसान का जन्म मिला है, अच्छी जगह जन्म मिला है, तो कर्म को मत बिगाड़िए, अपने भाग्य को बनाइए, दुआ दीजिए उसको, बददुआ मत दीजिए उसको, करने दीजिए जो करना है, क्योंकि वो ना तो आपके गाली देने से आपके पास आएगा, ना ही आपके दुखी होने से आएगा। इसलिए मन में बहुत ज़्यादा संतोष करके अपने बच्चों की परवरिश कीजिए। और दूसरी बहन का कमेंट्स है कि शादी को 3 साल हो गए हैं, जो भी आता है मायके से आता है और कम पड़ जाता है तो मिलता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए घर बसाना बहुत मुश्किल काम है, घर को तोड़ना बहुत आसान काम है,
छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर में कभी भी कलह मत होने दीजिएगा। अगर पति है, ससुराल वाले हैं, आपको मतलब जो मायके से आता है उसी में काम चलाना पड़ता है, नहीं लेकर देते हैं, तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए, समय आपका भी अच्छा आएगा। हर किसी का आता है, किसका नहीं आया आज तक, सबका आता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, इसलिए जितना मिल जाता है ना, जो आपके पास है उसमें अपना काम चलाना शुरू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि टूट पड़ गई, नहीं, आप जो है उसी में से थोड़ा कम करके उसी में अपना काम चलाना शुरू कर दीजिए। आपके मन का संतोष ही आपके घर में सुख और शांति लेकर आएगा, आपका जो सम्मान है ना उसको दोगुना कर देगा। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों को तूल देंगी और कहेंगी कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप औरों के लिए तो कर देते हो, मेरे लिए नहीं करते हो, तो आप ये बोलना ही छोड़ दीजिए कि मेरे लिए नहीं करते हो। करेगा आपके लिए ही, किसी और के लिए नहीं करेगा। आज नहीं करेगा तो कल करेगा, लेकिन मन में संतोष रखिएगा। और देखिए, चीज़ें तो ऐसी होती हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जिसके बिना हम अपना काम नहीं चला सकते। सबसे ज़रूरी तो रोटी, कपड़ा और मकान होता है, पेट भरने के लिए रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा, ठीक है। इन चीज़ों को अगर हमें मिल जाए, रहने के लिए मकान है, तो जो हमारे दूसरी चीज़ें हैं ना ज़रूरत की, उनको हम अपनी आमदनी के हिसाब से, अपने घर को देख के हिसाब से कम या ज़्यादा में काम चला सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आती एडजस्टमेंट करने में। मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किया है, संघर्ष भी किया है, हर चीज़ों के साथ समझौता भी किया है, कभी ये माना ही नहीं कि इतने से मैं कैसे काम चलेगा। नहीं बहन, हम चला सकते हैं। हम औरतें जो होती है ना, सच में घर को बसाने में सक्षम होती हैं। आदमी चाहे 1,00,000 रुपये महीने का कमा के लाता हो, लेकिन घर को मैनेज नहीं कर सकता। औरत कुछ भी नहीं कमाती है, सिर्फ बचाती है, क्योंकि देखिए सारा घर का काम करती है तो वो बचाती है, सबके लिए खाना बनाती है तो वो बचाती है। तो इसलिए औरत को भगवान ने बहुत ज़्यादा गुणशील बनाया है। घर को चलाने में सिर्फ औरत होती है, बर्बाद नहीं करती है मेरे हिसाब से। देखिए सर, ये जो हमारे हाथ की उंगलियाँ ना, ये भी बराबर नहीं होती हैं। तो 98% जो लेडीज़ होती है ना, वो अपने घर को बसाने में सक्षम होती हैं। बस थोड़ा सा सब्र और संतोष की ज़रूरत होती है, अपनी ज़रूरतों को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप ना इन चीज़ों से बुरा मानना छोड़ दीजिए कि मेरे तो मायके से आता है, उसी में काम चलाती हूँ और यहाँ से नहीं मिलता है। देखिए, बेटा आपका है ना तो उसका भी है, उसका ख्याल आपको है ना तो उनको भी है। समय आने पर वो सब कुछ करेगा। अभी शादी को 3 ही साल हुए हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और परमपिता परमात्मा का धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको एक फूल सा बेटा दे दिया है, तो ये शुक्रिया परमात्मा को दीजिए। तो मेरे हिसाब से उस बहन का दुख सबसे बड़ा है जिसका पति उसको छोड़ के किसी और औरत के साथ रहता है। तो बहन अपने जीवन में जो है ना, संतोष रखिए, परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए, और कभी भी उस आदमी को बद्दुआ मत दीजिए, क्योंकि आप बद्दुआएं उसको दोगे ना तो आपको भी लगेंगे, आपके बच्चों को भी लग जाएंगी। मत दीजिए, आप दुआएँ दीजिए, फिर देखिए भगवान की कृपा से आपके जीवन में कितना सुख आएगा, कितनी शांति आएगी, आपका मन कितना खुश होगा। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम किसी को बुरा या भला बोलते हैं ना, तो अंदर से हमारा मन भी बहुत दुखी हो जाता है। आप, मैंने तो देखिए एक्सपेरिमेंट करके देखा है इस पर, जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं ना, भले ही सामने वाला कितना ही बुरा करता हो, और अच्छा ही बोलते हैं, तब हमारा मन बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जब हम जो हमारे साथ बुरा कर रहा है, यानी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ऐसा ही करने की सोचते हैं ना, तो अंदर से हमारा मन बहुत पीड़ित होने लग जाता है। तो अपने आप को पीड़ा मत दीजिए, आप उसको दुआएं दो तो आपका मन खुश होगा, आपके जीवन में खुशी आएंगी। आप उसको बद्दुआएं देंगी ना तो आपका मन बहुत पीड़ित होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा, इसलिए अपने आप को दुख मत दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।